बिकॉज ऑफ एनर्जेटिक आई आप लोगों की जो एनर्जी है आप पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है, बहुत तेजी से आप बढ़ सकते हैं। आपको बढ़ने के लिए समय का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक साल पांच साल के अंदर कई करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं विद्यासागर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी देख सकते हैं हम अभी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और यहां पे एक अनदर वेबिनार रखा गया स्टार्टअप्स रिलेटेड। तो अभी हम देखेंगे कि आज क्या बताया जाता है, फिर मैं आपको बताता हूं। और आप यहां पे देखिए बाहर से लोग जो हैं आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं देखने को, और देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है। गुड मॉर्निंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा। गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया सभी को, वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। कंपटीशन हो रहा है वहाँ, उस कंपटीशन में करना क्या कि आपको नई चीज़ों के बारे में बतानी है जो अभी सर ने कहा। या ओयो ये सब स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किया और उसका बिजनेस बनाया, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जो कि आज कई लाख करोड़ है। आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि आपका स्टार्टअप आइडिया क्या है, क्या प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया और उस पर क्या काम करेंगे, उसमें इनोवेशन क्या होगा, कैसे आप कस्टमर्स को अपने पास लाएंगे, अपने पास बुलाएंगे। तो अभी सभी को पेपर्स दिए गए हैं और अभी लिख रहे हैं नए चीज़, नया चीज़ इनोवेटिव जो कि यूनिक हो। आपके दिमाग में स्टार्टअप से लेकर स्टार्टअप को लेकर क्या है वो लिखना है, और बच्चे सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'm always... I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'm always... और आपको स्टार्टअप के बारे में, अभी तक जिस स्टार्टअप के बारे में आप लोग सुनते आए हैं, हम लोग इससे पहले हम लोग लाइटनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, तो अभी आप लोग लाइट जला करके इस प्रोग्राम को उद्घाटन करेंगे और आगे का जो सेशन है सर हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं कि आपको आज इस संस्थान में बाहर से हमारे अपना बहुत समय निकाल के हमारे डीडीसी साहब जो डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए, हमारे जिला उद्योग केंद्र के डीएम साहब उनके साथ अन्य सहयोगी एवं हमारे पटना से उद्योग विभाग से आए हुए हैं अतिथियों को आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने अपना गंभीर समय देकर आपके संस्थान में आप लोगों को आपके भविष्य के बारे में कुछ बताने आए हैं। तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि ये आपका सौभाग्य है कि आज इस ऑडिटोरियम में आपको इन लोगों का आपके भविष्य के लिए जो भी आगे बढ़ने का जो भी आपके बारे में बताएंगे उसको आप श्रद्धापूर्वक एवं शांतिपूर्वक उसको सुनिएगा और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, समझ रहे ना? तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आज का दिन जो है याद करने का दिन है। आज तुम्हारे प्रोफेसर साहब सुरेंद्र
आज स्टार्टअप सेल का उद्घाटन करेंगे। आपका कॉलेज में एक आज नहीं पहल हो जाएगी, स्टार्टअप सेल का आज गठन भी हो जाएगा। तो आप इन लोगों का एक एक वर्ड जो बोलेंगे उसको अपने अंदर में आप समझेंगे, ये आप कमिटमेंट कीजिए। सेल के बारे में इसके पहले भी प्रोग्राम हो चुका है, आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ कि वे आप इस बच्चे को इससे लाभान्वित करें। थैंक यू, धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को आज ये मौका दिया कि आज हम लोग आके यहाँ पे जो इवेंट है उसको सफलतापूर्वक कर सके। सो बेसिकली स्टार्टअप होता क्या है, अभी आइडियाशन चैलेंज शुरू होने से पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि आप में से कितनों को स्टार्टअप के बारे में पता है या स्टार्टअप नाम सुना है। तो आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स, लगभग 70% लोगों को पता था कि स्टार्टअप क्या होता है या नाम सुना होता है। लेकिन हम सभी यहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, या टेक्निकल नाम भी हो तो किसी चीज़ को अगर मैथ्स की तरह अगर समझे LHS = RHS तो ईजी हो जाता है। तो स्टार्टअप का अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग बनाए तो वो होता है एक ऐसा नया बिजनेस जो जिसमें इनोवेशन डाला जाए, जिसमें टेक्नोलॉजी को डाला जाए और जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन डाला जाए। जो आखिरी वर्ड है पैशन, जो चौथा चीज़ है पैशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना पैशन के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर वो जज्बा, जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। सो एक बिजनेस जिसमें इनोवेशन हो, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें पैशन हो, इन चारों को कंबाइन करके जो बनता है स्टार्टअप, ठीक है, उपाय बनाएंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार देंगे। सो इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर यू विल बी अ जॉब क्रिएटर, ठीक है। आप अपना परिवार भी चलाएंगे और साथ में 10 और लोगों का, और 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, ऐसे करके एक अपनी पूरी फैमिली बनाएंगे जिनका पूरा ख्याल अपने से रखेंगे। स्टार्टअप्स और ग्रासरूट गरीबी है, कहीं साक्षरता में कमी है, जो भी ग्रासरूट लेवल की प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा वेदांतु, बायजूस, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जहाँ तक एजुकेशन अच्छे लेवल की नहीं पहुंची थी, अनअकैडमी। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज ऑफ एनर्जेटिक गाइस लाइक यू। आप लोगों की जो एनर्जी है, आप युवा पीढ़ी की जो एनर्जी है, उसकी वजह से हम लोग ये जो अचीवमेंट है ये हासिल कर पाए। अब स्टार्टअप और ट्रेडिशनल बिजनेस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबको पता है, ये पिक्चर से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ऊपर एक महिला दुकान में जाकर शॉपिंग कर रही है और नीचे दो महिलाएं मोबाइल के जरिए शॉपिंग कर रही है। तो पारंपरिक व्यवसाय जो होता है, जैसे दुकान हो गया या आटा चक्की हो गया या बेकरी शॉप, जो आपके लोकेलिटी में है, जो आपके आस पास है, उन्हीं को आप कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन वही अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो आप किसी भी एज ग्रुप में किसी भी कस्टमर को किसी भी लोकेशन पे टारगेट कर सकते हैं, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, कम लागत में ज्यादा मुनाफा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है, बहुत तेजी से आप बढ़ सकते हैं। आपको बढ़ने के लिए समय का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक साल, पांच साल के अंदर कई करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। और एक्सेलरेट किया गया, उस पर और पावर दी गई और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाई गई। इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ता है अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ, और रिलेटेड जो भी सपोर्ट आप लोगों को चाहिए वो टीम आपको प्रोवाइड कराएगी, और वो टीम आपको हम लोगों से भी कनेक्ट कराएगी। किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, लैब सपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो स्टार्टअप सेल्स के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी आपके पास आइडिया है उसको बिहार स्टार्टअप पोर्टल के थ्रू अप्लाई कीजिए और उसका फायदा उठाइए। या और सभी जूनियर सारे स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरी ओर से। मैं रचना प्रियदर्शनी, योर हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टार्टअप की डायरेक्टर हूँ। मैं और हमारी संपत्ति है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति है, जिसमें हमारा उद्योग विभाग, जो बिहार सरकार का उद्योग विभाग है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। हमारा अवसर है जो अभी फिलहाल बिहार सरकार अपने राज्य के नागरिकों को दे रही है, अपने आइडियाज के साथ आइए, नए नए आइडियाज के साथ आइए। तो आप सबके समझ में सवाल आया होगा बिहार में काबा। मैं आप में से कुछ लोगों से पूछना चाहूंगी, कोई ये बताए कि आप बिहार के बारे में जानते क्या है, क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत परिश्रम करते हैं
और उनका पास बहुत पैसेस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बिहार की विरासत के बारे में, आप कितना जानते हैं बिहार में विरासत स्थली कौन कौन सी है? इसलिए हमारा जैसे अगर आध्यात्मिक लिए मतलब फेमस हुआ, जैसे नालंदा हो गया, राजगीर हो गया जो प्राचीन से मतलब चल रहा, पाटलिपुत्र हो गया। तो बिहार हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें सील की सबसे पहले परिकल्पना की गई। तो जब नालंदा की खुदाई हुई उसमें से अन्य बहुत सारी चीजों के साथ ये सील भी निकला, और आज के समय में ये सील ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। तो हमने इस सील की तस्वीर के जरिए इसकी रेप्लिका बनवाई है, ठीक है? तो आप बिहार के लोगों को ये बता सकते हो, जब आप बाहर जाते हो आप ये बता सकते हैं कि बिहार जो है एक ऐसा हमारा राज्य है जहाँ सबसे पहले मुहर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको क्या पूरी दुनिया सील ट्रेडमार्क और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, वो सबसे पहले हमारे यहाँ गढ़ी गई थी। उसके अलावा आप देखते हैं गोलघर, आप सब लोग गोलघर गुल्लक है, ठीक है? हमने इस गोलघर को बनाया। गोलघर क्यों बनाया गया था कोई जानते हो? अनाज रखने के लिए। तो हमने इसीलिए इस गोलघर को गुल्लक के रूप में बनाया है। आप जानिए कि अशोक ने और भी कई सारे स्तंभ, तो 7 स्तंभ बनवाए थे जो अलग अलग जगहों पे लगे हैं, ठीक है? तो उसमें उन 7 स्तंभों में से एक स्तंभ ये राम, इसको बोलते हैं रामपुरवा बुल कैपिटल, ठीक है? ये आपके जो पश्चिमी चंपारण जो मोतिहारी है ना, मोतिहारी में खुदाई में निकला, ठीक है? तो आज के समय में ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। आज के समय में ये भारत में जो राष्ट्रपति भवन है ये वहां लगा है। तो टैगलाइन आया था, एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो नो डाउट कि आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो कम विद योर इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है? पिच योर आइडियाज एंड ब्रांड का मतलब टेक योर वर्ड एंड डू योर बिजनेस। मंच पर उपस्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, और जिम्मे रिसोर्स डिपार्टमेंट से आए हुए कर्मी, जीएमडीआईसी साहब पटना से आए हुए उद्योग विभाग से कंसल्टेंट्स, और अपने स्टार्टअप आइडियाज को शेयर जिन्होंने किया और आगे करने वाले हैं, उन सबका मैं नवादा जिला में स्वागत करता हूँ। आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब बताए भी, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है, 2015 पास आउट हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि आपके बराबर हूँ या आपके साथ हूँ, लेकिन मैं भी जिस अनुभव से आप गुजर रहे हैं उस अनुभव को तुरंत जिया हूँ। 8 साल हो गए हैं लेकिन अभी आप लोगों को देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तुरंत अभी भी मैं भी अभी पास आउट हुआ। सोच रहे हैं कि जबरदस्ती बिठा दिया गया है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस टाइम पास करना है निकल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है, मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी गई हो, तो ये आपको बेनिफिट करेगी आने वाले समय में। जो हमारे कंसल्टेंट्स जो उद्योग विभाग से आए हैं उन्होंने आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि यहाँ पे एक स्टार्टअप सेल का उद्घाटन होने जा रहा है आज। इससे बस इतना सीखना है कि आपके मन में कोई भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, कुछ भी हो, कि ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन चाय डिलीवरी करवाते हैं या फिर कुछ भी जो नवादा में नहीं हो रहा है या बिहार में नहीं हो रहा है या इंडिया में नहीं हो रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई स्टार्टअप करना है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए, समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर किसी मन में कोई भी जैसे अब्स्ट्रैक्ट समस्या लेके अपने मन में आप अगर कुछ उसका सोल्यूशन डिवाइस करते हैं, कुछ सोल्यूशन खोजते हैं, तो उसको स्टार्टअप सेल से डिस्कस कीजिए, उसको कोशिश कीजिए, अगर स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर आ जाए तो आपको उससे फाइनेंस मिल जाएगा, फाइनेंस नहीं भी मिले तो आप अपने स्तर पर बहुत सारा चीज़ स्टार्टअप्स के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप सबसे एक गुजारिश रहेगी कि जो स्टार्टअप सेल है उसमें स्टूडेंट्स का भी एक स्टार्टअप टीम बन जाए, जिसमें वो लोग आके कभी कुछ भी डिस्कस कर सकें, माइंड स्टॉर्म कर सकें, ब्रेन स्टॉर्म कर सकें, ये चीज़ है। जैसे मैडम ने भी बताया अभी कि बिहार में गिने चुने जगह ही याद आते हैं, जब भी बिहार के हेरिटेज को हम लोग
सोचते हैं, नालंदा राजगीर गया, बस इसके आगे हमारी दुनिया खत्म हो जाती है। इसके आगे सोचने का जो उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचा, उसको उन्होंने फिर यहाँ पे वजह से आप लोग सोचेंगे करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोग इस पूरे परिदृश्य में अपना जगह बना सकते हैं। इसके साथ मैं उद्योग विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने, नवादा पहला जिला है जहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोग slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. तो अभी स्टार्टअप सेल का इनोवेशन होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है, तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. आउट ऑफ द प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मंच पर उपस्थित प्रचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा, प्रचार्य ITI नवादा और हमारे उद्योग विभाग के कंसल्टेंट जो आए हैं, उन सभी का और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप नया आइडिया लेकर आएंगे, और आज उसी की बात है कि आज नवादा पहला जिला है जहाँ से आज शुरुआत हुई है पूरे बिहार में। और आशा करते हैं कि आप नया नया आइडिया लेकर, आप यहाँ स्टार्टअप सेल का गठन भी हो गया है, आप आवेदन कीजिए। आपका आवेदन करने और मंजूरी तक सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी, और अंत में आप सभी का बहुत और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे, जो विनर्स हैं उनका इंटरव्यू हो रहा है अभी, इंटरव्यू लिया जा रहा है स्टार्टअप्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, चलते हैं अब, हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।